इस वक्त की वड्डी खबर किसान जत्थेबंदियों के नाल संबंधी सामने आ रही है। थोनू दस दिए कि जिते लगातार पंजाब 2022 विधानसभा चोणों नूं लैके सियासी अखाड़ा भखिया होया, तो उत्थे ही कल तो चर्चावां सामने आ रही हैं कि बहुत ही जल्द किसान जत्थेबंदियां भी अपना एक मंच तैयार करके अपने चोन निशान के उत्ते पंजाब दियां 2022 विधानसभा चोणों के विच उतर सकदियां ने। तां किते ना किते हुण तुहानूं दस दिए कि अज इस गल दे उत्ते मोहर जो है लगती नज़र आ रही है, क्योंकि अज चंडीगढ़ के किसान जत्थेबंदियों के वलों एक मीटिंग जो है वह सदी गई है। तो उस तो बाद किया जा रहा है कि प्रैस वार्ता भी जो है किसान जत्थेबंदियां करनगियां, तो उस दे विच लगातार क्या सराइयां लग रही ने कि अज जो है किसान जत्थेबंदियों के वलों अपनी पार्टी का ऐलान करके 2022 विधानसभा चोणों के उतरन की किते ना किते हुण तैयारी जो है वह शुरू कर ली गई है। हालांकि जेकर गल की जाए बीते दिनों की, तो तुहानूं दस दिए कि लगातार यह भी चर्चावां चल रही सन कि किसान जत्थेबंदियां जो ने आम आदमी पार्टी के नाल गठजोड़ करके चोण मैदान के उतर सकदियां ने, परंतु हुण जो चर्चावां सामने आई ने उस दे विच कहा जा रहा है कि किसान जत्थेबंदियां जो ने हुण अपनी मीटिंग करन जा रही ने चंडीगढ़ के विच। कहा जा रहा है 25 से 27 के करीब जत्थेबंदियां जो ने मीटिंग करन जा रही ने, तो 86 अखाड़े के विच कहा जा सकता कि जो 2022 विधानसभा चोणों का सियासी अखाड़ा भखिया होया पंजाब दे विच, उस दे विच किते ना किते अपना मंच अपना चोन निशान बना के उतर सकदियां ने। हालांकि यह भी चर्चावां चल रही ने कि जो किसान जत्थेबंदियां सियासी मैदान दे विच उतरन जा रही ने उन्हां दी आम आदमी पार्टी दे नाल भी गलबात जो है वह जारी है। उस दे विच कहा जा रहा है कि 20 से 22 सीटां आम आदमी पार्टी जो है वह किसानों नूं देण जा रही है, परंतु किसानों का कहना है कि उन्होंने 30 से 35 सीटां के करीब दित्तियां जाण। इह सूत्रां दे हवाले तो खबर है, तो किते ना किते हुण कहा जा सकता है कि किसान जत्थेबंदियां जेकर अपना मंच ते अपने चोन निशान दे उत्ते पंजाब दीआं 2022 विधानसभा चोणां दे विच उतरदियां ने, तां किते ना किते हुण सियासी समीकरण जो ने उह पंजाब दे बिल्कुल बदल सकते ने। क्योंकि एक पासे जिते आम आदमी पार्टी ने हुण तक 58 उम्मीदवारां दी लिस्ट जो है वह जारी कर दित्ती है, तो उस तो साफ क्या सराइयां लगाईआं जा रही ने कि हो सकता है कि आम आदमी पार्टी 30 से 32 सीटां किसान जत्थेबंदियों के जो आगू ने उन्होंने दे सकती है, उन्होंने नाल मिल के पंजाब के 2022 विधानसभा चोणों के उतर सकती है। हालांकि जिते ये भी चर्चावां चल रही ने कि जिते किसान जत्थेबंदियों के आगू बलबीर सिंह राजेवाल सीएम चेहरे वजो ऐलानना चाहती सी आम आदमी पार्टी, परंतु उस तो साफ राजेवाल ने मना कर दिता कि वह सियासत के नहीं जा रहे। परंतु कितने ना कितने हुण ये भी जो सूत्रों के हवाले तो खबर निकल के सामने आई ने कि हो सकता है कि जेकर सीएम कैंडीडेट आपका होंगे तो उप मुख्यमंत्री का अहुदा किसान जत्थेबंदी के किसी एक आगू नूं दिता जा सकता है जेकर गठजोड़ होंगे, तो किते ना किते अज तुहानूं दस दिए कि तस्वीर जो है कुछ ही देर दे विच साफ हो जाएगी कि पार्टी का नाम जो है किसान जत्थेबंदियां किस पार्टी के नाम से उतरदियां ने। इस तो इलावा चोन निशान की होगा, यह सब देखना अपने आप दे विच काफ़ी दिलचस्प होगा, क्योंकि लगातार इस दे संकेत जो है वह मिलते नज़र आ रहे सन कि हो सकता है कि किसान जत्थेबंदियां जो ने 2022 विधानसभा चोणों के भी उतर सकदियां ने। क्योंकि लगातार किया जा रहा है पहला किसान जत्थेबंदियों के वलों कि सब तो पहला किसान अंदोलन जो है वह फतेह करना, मोर्चा फतेह करना, तो हुण जिथे मोर्चा फतेह हो चुका है, MSP के उत्ते कमेटी बन चुकी है, परचे रद्द हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं हुण किया जा सकता तकरीबन सारिया मंगा जो ने मनिया जा चुकिया ने, तो हुण खुल के किसान जत्थेबंदियां पंजाब दीआं 2022 विधानसभा चोणों के उतर सकदियां ने। हालांकि देखना यह होगा कि आम आदमी पार्टी के नाल मिल के उतरदियां ने या फिर आजाद होकर अपनी मंच अपने चोन निशान के उत्ते उतरदियां ने, अपने आप च देखना दिलचस्प होगा। परंतु फिलहाल अज हर एक उड़ीक होगी कि फैसला अज की मीटिंग के किसान जत्थेबंदियों के वलों लिया जाता है।